भोपाल में गौशाला में गायों की मौत का मामला, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, 9 गायों का पोस्टमार्टम करवाया गया। अब बुढ़ापे की वजह से 6 गायों की मौत, बीमारी की वजह से 3 गायों की मौत हुई। भोपाल में बेरसिया गौशाला में गायों की मौत का मामला, दिग्विजय सिंह ने सरकार पर साधा निशाना, आरोपी बीजेपी से जुड़े हैं इसलिए उन्हें बचाया जा रहा है, अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कांग्रेस नेता पर FIR दर्ज की गई। भोपाल में युवक की गुंडागर्दी, BRTS कॉरिडोर में युवक ने चलाई गाड़ी, गलती करने के बाद पुलिस से की बहस, ट्रैफिक पुलिस ने की कानूनी कार्रवाई, स्मार्ट सिटी कार्यालय का कर्मचारी बताया जा रहा है युवक। भोपाल में महिला कांग्रेस की कार्यकारिणी को लेकर विवाद, नए पदाधिकारियों को 10 दिन तक नहीं मिलेगा नियुक्ति पत्र, ग्वालियर और उज्जैन में सबसे ज्यादा विवाद, ग्वालियर में रश्मि पवार और रुचि गुप्ता के बीच विवाद। भोपाल में पाइपलाइन फटी, JCB से खुदाई के दौरान फटी पाइप, हजारों लीटर पानी हुआ बर्बाद। भोपाल में सांसद प्रज्ञा सिंह कोरोना पॉजिटिव, संपर्क में आए लोगों को टेस्ट करवाने की अपील की। भोपाल में CM शिवराज हुए घायल, सीहोर में लोहे की रॉड लगने से हुए चोटिल, बूथ विस्तारक अभियान के दौरान आई चोट, चोट लगने के बाद भी CM ने दौरा किया पूरा। भोपाल में MP में बच्चों के वैक्सीनेशन का दूसरा चरण, दूसरे डोज को लेकर चलाया जाएगा अभियान, 15 से 18 साल के बच्चों को लगाया जा रहा है टीका। बिलासपुर में गनियारी बाजार में बाइक चोरी कर भागा युवक, CCTV में कैद हुई घटना, आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। बिलासपुर में एनीकट निर्माण के नाम पर भ्रष्टाचार, निर्माण के नाम पर शासन को लगाया चूना, निर्माण कार्य में अधिकारियों ने लगाए 3.25 करोड़ रुपए, ग्रामीणों और पंचों ने की कार्रवाई की मांग। बिलासपुर में पिकनिक पर मिली मौत, नदी में डूबने से मां बेटे की हुई मौत, नहाने के दौरान हुआ यह हादसा। धमतरी में बेकाबू कार ने बाइक में मारी टक्कर, हादसे में 2 लोगों की हुई मौत, 1 की हालत गंभीर, घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती, शादी समारोह से लौट रहे थे घर। गौरेला पेंड्रा मारवाही से बड़ी खबर, News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का असर, आदिम जाति कल्याण विभाग में फर्जीवाड़े का मामला, विभाग के कर्मचारी श्याम दास पर केस दर्ज, शिक्षा विभाग के क्लर्क संतोष मिश्रा पर भी FIR दर्ज। ग्वालियर में हजीरा सब्जी मंडी स्थानांतरित करने का मामला, जिला प्रशासन ने तोड़ी पुरानी मंडी, सब्जी विक्रेताओं को और कांग्रेस नेताओं ने किया विरोध। जबलपुर में नहीं थम रहा हवाला का कारोबार, रेलवे स्टेशन पर पकड़ा गया 72 लाख रुपया, 2 युवक दिल्ली ले जा रहे थे रुपए, पूछताछ करने पर नहीं दे पाए जवाब। निवाड़ी में शराब कारोबारियों पर कार्रवाई, हजारों लीटर जहरीली शराब जब्त, 2 लोगों को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब की जब्त। शिवनी में वन विभाग की टीम ने तेंदुए को रेस्क्यू कर पकड़ा, तेंदुए को पिंजरा लगाकर पकड़ा गया, वन विभाग की टीम ने तेंदुए को सुरक्षित जंगल में छोड़ा, ग्रामीणों में कई दिन से तेंदुए की थी दहशत। शिवपुरी में विधायक जी को आया गुस्सा, फोन पर रोजगार सहायक को सुनाई खरी खोटी, आज नहीं मैं तो क्रियाकर्म कर दूंगा, विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने दी धमकी, कोलारस से विधायक है वीरेंद्र रघुवंशी। शिवपुरी में प्रसाद को लेकर हुआ विवाद, लोगों ने पुजारी को पीटा, ग्वालियर में पुजारी की इलाज के दौरान हुई मौत। विदिशा में बेटी के जन्म पर जश्न, गाजे बाजे के साथ किया गया बेटी का स्वागत, बेटी का नाम रखा गया अयोध्या, अयोध्या के स्वागत के लिए किए गए खास इंतजाम। महासमुंद में गुंचापाली चंडी मंदिर में चोरी, लाखों के आभूषण और नकदी चोरी, चोरी की वारदात CCTV में हुई कैद, पुलिस कर रही है आरोपियों की तलाश। भिंड में तेजी से बढ़ी कोरोना की रफ्तार, पिछली 2 लहरों के मुकाबले में कई गुना ज्यादा पेशेंट निकल रहे हैं। भोपाल पहुंचे बॉलीवुड अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा, अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग के लिए पहुंचे भोपाल, सिद्धार्थ मल्होत्रा योद्धा फिल्म की शूटिंग के लिए पहुंचे हैं, फिल्म की शूटिंग कोलार डैम पर होगी, इस दौरान अभिनेता 3 दिनों तक भोपाल में ही रहेंगे। बिग बॉस 15 का खिताब तेजस्वी प्रकाश ने अपने नाम किया, 40 लाख रुपए के इनाम के साथ ट्रॉफी मिली, प्रतीक सहजपाल रहे रनर अप।
देश में लगातार घट रही कोरोना मरीजों की संख्या, लेकिन मौत के आंकड़ों ने डराया। एक दिन में 959 मरीजों ने तोड़ा दम।